What are the objectives and functions of averages? Number one, to present huge data in a summarized form. It is very difficult to grasp large number of numerical figures. Average summarizes such data into a single figure. अब बैटिंग करने आया विराट कोहली, अब लिखा हुआ है उसने कितने मैचेस खेले हैं, कितनी इनिंग्स खेली हैं, कितने रन्स बनाए हैं, बड़ी सारी इंफॉर्मेशन, और एक आया एवरेज है उसकी 65। तो एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है बहुत बड़ी, कि मतलब एक इंडिकेटर बहुत बड़ा है कि इसके एवरेज 65 है, तो ऑन एन एवरेज हर मैच में 65 रन बना लेता है। बट इसका मतलब क्या, अभी खेलने आए तो क्या 65 बना लेगा, इस बात की कोई गारंटी है? वो एक एवरेज, वो एक एवरेज है, बट एवरेज समराइजेस द डेटा इनटू अ सिंगल फिगर व्हिच मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल फैमिलीज नीड फॉर वाटर ड्यूरिंग समर्स। अब हर एक इंसान की अलग हो सकती है ना एज के हिसाब से, कोई छोटा बच्चा है जो घर पे ही रहता है उसकी कंजम्पशन कम होगी वाटर की, कोई खेलता कूदता है बाहर जाके स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी कंजम्पशन ज्यादा होगी, तो हर एक इंसान की डिफरेंट हो सकती है वाटर की कंजम्पशन। बट एक फैमिली की कंजम्पशन निकालते हैं तो एक एवरेज पता चल जाए तो आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हो टोटल रिक्वायरमेंट। देयरफॉर नॉलेज ऑफ एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड फॉर द एंटायर पॉपुलेशन विल हेल्प द गवर्नमेंट इन प्लानिंग वाटर रिसोर्सेज। तो वो एवरेज के बेसिस पे कैलकुलेशन करते होंगे, ये नहीं कि हर एक इंसान के हिसाब से अलग अलग आपको अच्छा इसके लिए इतना उसके लिए इतना, ऑन एन एवरेज इतनी है तो इतना वी विल ट्राई टू प्रोवाइड। तो टू प्रेजेंट ह्यूज डेटा इन अ समराइज्ड फॉर्म टू मेक कंपैरिजन इजियर। एक बैट्समैन की एवरेज इतनी है, एक बैट्समैन की एवरेज इतनी है, तो कंपैरिजन बिकम्स इजियर। एक बच्चे की परसेंटेज इतनी है, एक बच्चे की परसेंटेज इतनी है, तो परसेंटेज भी तो arithmetic mean hai different subjects ka, it makes comparison easier. Averages are very helpful for making comparative studies as they reduce the mass of statistical data to a single figure. Such comparison can be made either at a point of time or over a period of time. Example, average sales figures of any month can be compared with the preceding months or even with the sales figures of competitive firms for the same months. To help, the second advantage helps in comparison, it helps in decision making. मुझे देखने की अच्छा टीम बना रहा हूं मैं तो देखूंगा ना किसकी कितनी एवरेज है, जो टॉप स्कोरर जिनकी टॉप एवरेजेस थी उनको मैंने ले लिया अपनी टीम में, helps in decision making. Average provides such values which become a guideline for decision makers. Most of the decisions to be taken in research or planning are based on average value of certain variables. If the average monthly sales of a company are falling, the sales manager may have to take certain decisions. So, agar unke paas average hai ki hamari average monthly sale hai kitni, तो कंपेयर कर सकते ना कि इस मंथ में पिछले मंथ के कंपैरिजन में हमारी सेल्स ज्यादा हुई या कम हुई। ज्यादा हुई तो बहुत अच्छी बात है, कम हुई तो फिर इमीडिएटली करेक्टिव मेजर लेंगे। बट अगर हमारे पास कोई कंपैरिजन का इंडिकेटर ही नहीं होता तो हमें नहीं पता चलता कि हमारा प्रोग्रेस कैसा रहा। और काफी बार होता है कि अच्छा लास्ट ईयर इस मंथ में क्या एवरेज रही थी तो इस मंथ से कंपेयर करो, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो सीजन बेस्ड होते हैं। अगर आप वुलन क्लोथ्स में डील करते हो तो जब जो समर की एवरेज है वही थोड़ी ना विंटर्स में मीट होगी, विंटर्स में तो कहीं ज्यादा होगी, तो उसी पीरियड के एवरेजेस से कंपेयर करो। तो कंपैरिजन भी आपको सोच समझ के करना चाहिए, तभी आप, अब जैसे कि कोई क्रिकेटर है आप उसकी 50 ओवर मैचेस की वनडे इंटरनेशनल की एवरेज को क्या 2020 से कंपेयर कर सकते हो? नो सर, नहीं कर सकते। तो एक कंपैरिजन भी ध्यान से करना चाहिए, बट यस कंपैरिजन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। To know about the universe from a sample, universe, the entire data from a sample, जो आपके पास information है, तो उस average के basis पे आप पूरी universe के decision ले लेते हैं। Averages also help in obtaining an idea of a competitive universe by means of a sample data.
मुझे देखना था कि हमारी कॉलोनी में ना क्या है एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितनी है पर हाउस होल्ड, कितनी यूनिट्स ऑन एन एवरेज बिजली कंज्यूम करते हैं। अब मैं एक एक घर में जाके जरूरी नहीं ना, मैं इस लेन में चला गया हर एक घर में और सामने वाली लेन में चला गया, वो डेटा मैंने अज्यूम कर दिया कि अच्छा चलो पूरी कॉलोनी में यही होगा, मैंने इतने सारे मैंने 20 घर ले लिए और बाकी 2000 पे वही अप्लाई कर दिया कि सबका सेम ही हो। टू नो अबाउट द यूनिवर्स फ्रॉम अ सैंपल, कि जो 20 घरों में अलग थे ना, किसी घर में जॉइंट फैमिली थी, किसी घर में न्यूक्लियर फैमिली थी, किसी घर में सिर्फ पापा मम्मी थे, किसी में सिर्फ बच्चे थे, हर टाइप का घर कवर हो गया, वो एवरेज फिर स्प्रेड कर दी पूरी यूनिवर्स पे अप्लाई कर दी। द एवरेज ऑफ अ सैंपल प्रेजेंट्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ द एवरेज ऑफ द पॉपुलेशन। एक्यूरेट नहीं हो सकता बट डिसीजन लेनी है तो लेनी है ना, अब इतना टाइम छोड़ना कि हर एक घर में जाके मैं कंजम्पशन पूछूं उनकी। तो इट हेल्प्स अस इन नोइंग अबाउट द यूनिवर्स फ्रॉम द सैंपल टू ट्रेस precise relationship. Average becomes essential when it is desired to establish relationships between different groups in quantitative terms. It is vague and irrelevant to say that income of an average American is more than that of an average Indian. It is only a general observation. It is relatively more precise when respective incomes are expressed in terms of averages. Averages, they become essential when it is desired to establish relationship between different groups of quantitative terms. Kare ek American citizen ki jo salary hai, kya unki average salary Indian average salary se compare ki ja sakti hai? Sir. यहाँ रुपीज में है, वहां डॉलर्स में है, यहाँ का परचेजिंग पावर अलग है, वहां की परचेजिंग पावर अलग है, यहाँ की स्पेंडिंग हैबिट्स अलग है, बिल्कुल अलग ही है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कह रहे ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, करना है तो फिर आपको उनको एक्सप्रेस करना पड़ेगा एक कॉमन डिनोमिनेटर में, तभी पॉसिबल है। परचेजिंग पावर कंसिडर करनी होगी, अदरवाइज नहीं। इररेलेवेंट होगा एक अमेरिकन सिटीजन की सैलरी एवरेज सैलरी को कंपेयर करना एक इंडियन एवरेज सैलरी से। बेस फॉर कंप्यूटिंग अदर मेजर्स, एवरेजेस दे ऑफर अ बेस फॉर कंप्यूटिंग वेरियस अदर मेजर्स लाइक डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस दैट हेल्प इन मेनी अदर फेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जिसमें से डिस्पर्जन हमारे कोर्स में ना स्क्यूनेस है ना कर्टोसिस है। Averages, they act as a base for further deeper analysis. So, what are the objectives and functions? Number one, it helps in presenting huge data in a summarized form. We get to know about the universe from a sample. It makes comparison easier. It helps in tracing the precise relationship. It helps in decision making. It acts as a base for computing other measures.